हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी देख रहे हैं प्रेम्स होम प्लान। दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 फीट बाई 27 फीट में बनने वाला एक घर के नक्शे के बारे में। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर जो है वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लगभग, तो उनका जो ज़्यादातर सभी का कॉमेंट जो है दोस्तों वो सिमिलर रहता है। सभी का एक ही कॉमेंट रहता है, लो बजट हाउस प्लान। तो एक कम लागत में आप कैसे घर बनाएंगे और सभी के पास लगभग जगह भी जो स्पेस भी है वो भी कम है और सभी का रिक्वायरमेंट ज्यादातर सबका ही कमेंट एक ही रहता है कि लो बजट हाउस प्लान छोटी सी स्पेस पर कैसे बनाए। तो आज का हमारा वीडियो भी हमने 25 फीट बाई 27 फीट के अंदर काफी प्यारा सा एक डिजाइन हमने क्रिएट किया हुआ है। प्रॉपर गांव के हिसाब से भी हमने इसको बनाया हुआ है दो बेडरूम के साथ। और आप सभी देख रहे हैं प्रेम्स होम प्लान। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको जो है इसी चैनल पर मिलता रहेगा, तो हो सके या आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा। आपका जो प्रतिक्रिया है दोस्तों वो जरूर देना। तो आप जो देख रहे होंगे मॉडल, ये फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे होंगे घर बनने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका घर का लुक जो है दोस्तों वे आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गांव के घर होने के कारण हमने इधर की ओर एक बारामदा भी डिजाइन किया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं हमने ग्रिल से कवर अप किया हुआ है और विंडो जो है दोस्तों कम लागत में और जो आपका प्राइवेसी है सिक्योरिटी की कैसे आप ध्यान रखेंगे उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्लाइडिंग विंडो का तो यूज किया हुआ है खर्चा कमाने के लिए, लेकिन बाहरी साइड से आप जब देखेंगे हमने ग्रिल का भी यूज किया हुआ है विंडो पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप भी बना पाएंगे। और ऊपर जो है पैरापेट वॉल पर हमने कोई डिजाइन नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने डिजाइनदार एक रेलिंग का यूज किया हुआ है। इससे आपका घर का जो है दोस्तों खर्चा बनाने का वो भी कम आ जाएगा। तो कितना आएगा ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर मल्टी रूम कुछ इस प्रकार से आएगा, आप देख सकते हैं। फिर इधर की ओर आपको दो विंडो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टॉयलेट बाथरूम के लिए एक वेंटिलेटर भी देखने को मिल रहा होगा। फिर बैक साइड की ओर दो विंडो आपको यहाँ पर आप इस डिजाइन पर मिलेगा। फिर इधर की ओर आप देख सकते हैं एक विंडो हमने डिजाइन किया हुआ है, बाकी जो बारामदा है बारामदा पर हमने यहाँ पर ग्रिल से कवर अप कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 10 इंच का जो है दोस्तों छज्जा इधर बाहर की ओर निकाला हुआ है, जो बारामदा का ऊपर आप देख सकते हैं डिजाइन कुछ इस प्रकार से, और इधर की ओर सेम कुछ इस प्रकार से लिया हुआ है। और ऊपर का जो स्लैब है हमने स्लैब को दोस्तों वे 3 फीट बाहर की ओर बढ़ाकर डिजाइन किया हुआ है। 3 फीट हमने छज्जा जो है दोस्तों फ्रंट साइड की ओर बढ़ाया हुआ है स्लैब को। फिर आपका जो एंट्री गेट है यहाँ से रहेगा, आप देख सकते हैं ये वाला एंट्री गेट से जब एंट्री करके जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आप यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, ये रहेगा बारामदा। बारामदा का साइज आएगा दोस्तों 12.5 फीट बाई 7 फीट के अंदर। फिर यहाँ से आपका मेन एंट्री डोर देखने को मिलेगा, जिससे जाते हैं दोस्तों 12.5 फीट बाई 13 फीट का आपको ये ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल मिल जाएगा, जहां से हमने स्टेयरकेस को चढ़ाया हुआ है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। स्टेयरकेस सी टाइप पर रहेगा। फिर बैक साइड की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आर्च टाइप पर ओपनिंग रखा हुआ है, जिससे आप जाते हैं दोस्तों तो ये स्पेस हमने किचन के लिए लिया हुआ है 12.5 फीट बाई 7 फीट के अंदर। और इधर की ओर जो दो बेडरूम देख रहे होंगे यहाँ पर रहेगा एक डोर आप देख सकते हैं, बाकी दूसरा डोर पोजिशन यहाँ से रहेगा। दोनों बेडरूम का हमने साइज सेम लिया हुआ है दोस्तों 12.5 फीट बाई 7 फीट के अंदर। और दोस्तों ये जो घर है इसका लागत की अगर बात करें तो इस घर को बनवाने के लिए आपको करीब 7 से 8 लाख रुपए की लागत लग सकता है अभी का जो करंट टाइम के हिसाब से, लेकिन हर जगह पे सेम रेट से आप नहीं बना पाएंगे, कहीं पे कम या कहीं पे ज्यादा भी आपको लग सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि आप कैसे कैसे मटेरियल यूज करेंगे, कहाँ से आप कितना ब्रिक्स यूज करेंगे, वो सारा कुछ जो है दोस्तों आपका जो वॉल का थिकनेस आप 10 इंच रखेंगे या 9 इंच या आप 5 इंच रखेंगे, उससे आपका जो बजट है वो तय होता है। फिर भी हमने जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इंच का वॉल देकर जो डिजाइन हमने बनाया हुआ है, तो ये जो आप देख सकते हैं इसका लागत जो दोस्तों करीब 7 से 8 लाख रुपए की आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे कॉमन टॉयलेट बाथरूम, इसका साइज हमने लिया हुआ है 8x5 फीट के अंदर, प्रॉपर एक गांव के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। तो जो रूम वगैरह का साइज वगैरह हमने जो स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों वही यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।